नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारवा राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मांग की थी कि जीरापुर से पचोर का हाईवे कितना लंबा चौड़ा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। तो काफ़ी लोगों की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको इस रोड की एक एक डिटेल देंगे, एक एक जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस रोड की चौड़ाई क्या रहेगी, इसकी लंबाई क्या रहेगी, पचोर से जीरापुर जाने वाला यह मार्ग कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बहरहाल एक नज़र इस मार्ग पर डाल लीजिए, इस रोड पर डाल लीजिए, इतना लंबा चौड़ा है रोड और ये पचोर से जीरापुर की तरफ जा रहा है। इस वक्त मैं खुजनेर और पचोर के बीच में खड़ा हूँ और इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे कि ये रोड की लागत क्या रहेगी, कितना लंबा रहेगा, कितना चौड़ा रहेगा और पूरी ऑफिशियली जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस रोड की लंबाई चौड़ाई सब कुछ समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली जानकारी हम आपको देंगे, सबसे पहली जानकारी ये है कि इस रोड की जो लागत है, इस रोड को 352.69 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है, यानी कि 350 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत में रोड बनाया जाएगा पचोर से जीरापुर का हाईवे। और इसकी चौड़ाई को लेकर काफ़ी लोगों के मन में भ्रम था, उस भ्रम को मैं अभी दूर करता हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 4 लाइन ये रोड रहेगा, या ये रोड 4 लाइन नहीं रहेगा, ये रोड 2 लाइन है और इसी रोड का विस्तार किया जाना है, यानी कि 2 लाइन रोड का अच्छे से सरकार विस्तार करेगी। अभी इस रोड की जो चौड़ाई है ना वो 7 मीटर है, इसकी चौड़ाई सरकार डबल कर देगी, यानी कि 14 मीटर चौड़ा ये रोड रहेगा। अभी 7 मीटर की चौड़ाई है, आपके घर के सामने से अगर ये रोड निकल रहा है तो आप नाप लीजिएगा, 7 मीटर की चौड़ाई करके सरकार जो है इसको 14 मीटर का बनाने वाली है, यानी कि 14 मीटर चौड़ा ये रोड रहेगा। और इस रोड की चौड़ाई में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, काफ़ी लोग अफवाह फैला रहे थे दरअसल कि 104 फीट चौड़ा ये रोड बनेगा, 52 फीट चौड़ा ये रोड बनेगा, 52 फीट लेंगे एक तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने जानकारी दी है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके ऑफिशियली कहा है कि इस रोड की जो चौड़ाई रहेगी वो 14 मीटर चौड़ा ये रोड रहेगा और 7 मीटर ऑलरेडी चौड़ा ये रोड है, 7 मीटर का ये रोड बना हुआ है, तो इसकी दुगनी चौड़ाई कर दी जाएगी और 1-1 मीटर की जो है वो फुटपाथ के लिए छोड़ दिए जाएंगे और 5 मीटर रोड बनाएंगे, यानी कि 7 × 2 = 14 मीटर की चौड़ाई ये रहेगी। अब 4 बाईपास इसमें बनाए जाएंगे, उन 4 बाईपास कहाँ कहाँ पर बनेंगे ये इसकी जानकारी भी सुन लीजिए, खुजनेर, पचोर, छापीहेड़ा और जीरापुर, ये 4 जगह रहेगी जहाँ पर बाईपास की सुविधा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। 4 जगहों पर बाईपास बनाया जाएगा, खुजनेर, पचोर, छापीहेड़ा, जीरापुर, इन 4 जगहों के अलावा कहीं भी बाईपास नहीं बनाया जाएगा। काफ़ी लोग अफवाह फैला रहे थे कि जगह जगह पर बाईपास बनाए जाएंगे, ये अफवाह भी एकदम झूठ है। खुजनेर, पचोर और छापीहेड़ा, जीरापुर, ये 4 जगह ऐसी रहेगी जहाँ पर बाईपास बनेगा। रोड की चौड़ाई 14 मीटर रहेगी, इससे 1 इंच भी ज़्यादा रोड चौड़ा नहीं होगा, इसकी जानकारी एकदम कन्फर्म है और आप अभी लिख कर रख लीजिए, इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए। आपके घर के सामने आपका घर अतिक्रमण में आता है कि नहीं आता है, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आप 14 मीटर रोड छोड़कर घर बनवा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर एक तरफ से 52 फीट का अगर आप छुड़वा के बनवाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे उसमें। तो आप अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए रियलिटी पर ध्यान दीजिए। राजगढ़ वासियों ने डिमांड की थी कि इस रोड की चौड़ाई, इस रोड की लंबाई और कितने बाईपास निकलेंगे, इसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। तो हमने छोटे से वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश की है, बस आपसे उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों के मन में अफवाह ना रहे और कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कन्फ्यूज़न की स्थिति बनने पर काफ़ी लोग जो है नए नए मकान बना रहे हैं रोड पर, उनके मन में काफ़ी डर पैदा हो गया था, तो उस डर को हमें भगाना है और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है। तो आप लोग भी इसका हिस्सेदार बने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पचोर से जीरापुर तक के इस हाईवे की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपने देखी है और लोगों को भी दिखाएं कि इस रोड की सच्चाई क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये कितने रुपये की लागत से बनेगा, कितना बाईपास बनेगा, तमाम सारी चीज़ें हैं। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।